हाय स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डील द रैनासा जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म टुडे वी विल डिस्कस इट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर टू एस सी सी जीरो थ्री एंड दिस इज फ्रॉम यूनिट वन जिससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो टुडे वी विल डील अ शॉर्ट नोट ऑन द रैनासा ठीक है आइए हम लोग समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग एंड थीम ऑफ द रैनासा इसका अर्थ क्या होता है और इसका सार तत्व क्या है आइए हम लोग समझते हैं द रेनासा मीन्स रिबर्थ और रीअवेकनिंग अवेकनिंग का अर्थ होता है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी यूरोपियन इतिहास में दैट स्ट्रेच फ्रॉम द फोर्टीन सेंचुरी टू द सेवेंटीन सेंचुरी और इसका फैलाव जो है वह चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक देखा जाता है इट वॉज प्रायडिली लेड टू द मेजर इवेंट ऑफ द एज ऑफ इनलाइटमेंट मध्य युग में इसे यूरोप में देखा गया और बहुत मेजर घटनाएं देखने को मिलती हैं और पूरा युग जो है वह एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ पोइटिक इवोल्यूशन हुआ पे पहुंची स्टार्टिंग इन द लेट फिफ्टीन सेंचुरी इन स्पिलिंग इन टू द रिवोल्यूशनरी ईयर्स ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी पंद्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी के बीच में रिवोल्यूशनरी ईयर माना जाता है इसका स्टैंड एज एन अर्ली समिट ऑफ पोइटिक अचीवमेंट और इस दौरान काव्य अपने पराकाष्ठा पर थी यानी कविता अपने पराकाष्ठा पे थी द एरा इन विच द मॉडर्न सेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिगिन और यह वह युग है जिसमें मॉडर्न सेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत देखी जाती है राइट नाउ वी विल डिस्कस बिगिनिंग ऑफ द रेनासा इसकी वास्तविक शुरुआत कहां से हुई इट इज बिलीव दैट द रेनासा स्टार्टेड इन फ्लोरेंस इटली इसकी शुरुआत जो है वो इटली से मानी जाती है इसके एक शहर से जिसका नाम फ्लोरेंस है अ प्लेस विथ अ रिच कल्चरल हिस्ट्री एंड हेरिटेज, जहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो है वो बहुत ही उम्दा थी वेयर वेल्दी कुड अफोर्ड टू सपोर्ट बडिंग आर्टिस्ट ऑफ ऑल काइंड जहाँ के नागरिक बहुत ही धनी थे और वहां के कलाकारों को जो उभरते कलाकार थे उनको मदद करने के लिए उत्सुक थे और सक्षम थे the movement first expanded to other Italian city states such as Venice, Milan, Bolgana, Ferrara and Rome. और बाद में यह जो movement है यह जो क्रांति है वह फैलती चली गई और Italian city और states में फैलती चली गई जैसे Venice, Milan, Bolgana, Ferrara और Rome. ठीक है Then during the 15th century, नासा आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम इटली टू फ्रांस एंड देन थ्रू आउट वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप इसके बाद पंद्रहवीं शताब्दी जो मध्य युग के नाम से जाना जाता है पंद्रहवीं से सत्रहवीं के बीच रेनासा के जो आइडियाज थे वो इटली से फैलते हुए फ्रांस पहुंच गए और यह थ्रू आउट वेस्टर्न पूरे पश्चिमी क्षेत्र में और नॉर्दर्न यूरोप में पूरी तरह से फैल गया राइट नाव डिस्कस कॉजेज एंड चेंजेस इसके क्या कारण थे कौन कौन से महान परिवर्तन देखे गए तो इतिहासकारों का मानना है और वो बिलीव करते हैं हिस्टोरियंस है इसके अनेक कारण मानते हैं फॉर द इमरजेंस ऑफ द रेनासा इसके उद्भव के कई कारण माने जाते हैं फॉलोइंग द मिडिल एजेस सच एज इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स जब आपस में डिफरेंट कल्चर्स के लोग इंटरेक्ट करने लगे तब इसकी शुरुआत हुई द रिडिस्कवरी ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट जब एनशियंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट जो महत्वपूर्ण लेखन थे उन लोगों के उसको रिडिस्कवर किया गया इसका कारण यह भी था द इमर ऑफ ह्यूमैनिज्म मानवतावाद का उदय हुआ डिफरेंट आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डिफरेंट आर्टिस्टिक और तकनीकी जिसको कहते हैं और कलात्मक चीजों का जब इनोवेशन होना शुरू हो गया एंड द इंपैक्ट्स ऑफ कंफ्लिक्ट एंड डेथ और जब कंफ्लिक्ट और डेथ संघर्ष और मृत्यु इन सारे चीजों का प्रभाव जब लोगों के बीच में देखा जाने लगा तो ये सारे कॉजेस बने जिसके कारण रेनासा का उद्भव हुआ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट इमर्ज एंड एज अ रिजल्ट द रेनासा ब्रॉट अ ग्रैंड चेंज क्या हुआ कि मुख्य परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं जो सामने आया इसके कारण इसका जो रिजल्ट हुआ रेनासा एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया अपने साथ विच कैन बी सीन इन यूरोपियन आर्किटेक्चर जिसे देखा जा सकता है यूरोपियन आर्किटेक्चर पे इसके आर्ट पे इसके लिटरेचर पे मैथमेटिक्स म्यूजिक फिलॉसफी पॉलिटिक्स रिलीजन एंड साइंस पे यह हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ता नजर आता है इसीलिए एक बहुत बड़ा क्रांति के रूप में सामने आया फीचर्स ऑफ द एज इन एसेंस उस युग की क्या खासियत थी क्या इस था जिसके कारण इसका फैला हुआ

जिसमें परिवर्तन संभव नहीं था सामाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर दिस मीन्स दैट यूरोपियन सोसाइटी एट दैट टाइम वॉज नॉट नेसेसरली ओपन टू चेंज यह माना जाता है और बिलीव किया जाता है कि यूरोपियन सोसाइटी उसमें परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था ठीक है लेकिन हाउ एवर द इसे वॉज दैट यूरोप एक्सपीरियंस शिफ्ट इन वर्ल्ड वाइड व्यू एंड परस्पेक्टिव लेकिन इसी के कारण रेनासा के कारण यूरोप में एक वर्ल्ड व्यू देखने को मिला वर्ल्ड वाइड व्यू देखने को मिला और इस क्षेत्र में शिफ्ट हुआ यह सोच और लोगों के सोच में परिवर्तन आने शुरू हो गए एंड दिस शिफ्ट वॉज कॉज बाय न्यू आइडियाज और यह न्यू आइडियाज के कारण ही संभव हो पाया व्यूज एंड बिलीव दैट यूरोप वॉज एक्सपोज टू इन द सेंचुरीज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनासा इसीलिए यूरोप में यह बहुत बड़े परिवर्तन का एक अग्रदूत बना और बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया यूरोप में विच बिग्न इन द फोर्टीन सेंचुरी जो कि चौदहवीं शताब्दी में यहां शुरुआत के दौर में देखा गया एंड एक्सटेंडेड अप टू सेवेंटीन सेंचुरी और यह सत्रहवीं शताब्दी तक वहां देखा गया इट मेड द सिक्स सेंचुरी इंग्लैंड अ गोल्डन एज इसने ही सोलहवीं शताब्दी जो कि एज ऑफ शेक्सपियर और एलिजाबेद एज के नाम से जाना जाता है उसे गोल्डन एज बना दिया सो दिस इज ऑल अबाउट दिस Particular topic, dear students. I hope you understand it well. So, thanks a lot for watching the video. Keep sharing, like, share, and subscribe the channel if you are new to the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.